हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं आप सभी लोगों को दो बटन कोट साइड चाक SB2 बटन कोट की कटिंग करना बताऊंगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑल कर दें। तो आइए मेजरमेंट को समझ लेते हैं। मेजरमेंट हमारा है 27, चेस्ट हमारा है 35, स्टमक हमारा है 31, हिप हमारा है 36, शोल्डर हमारा है 180 और स्लिप्स हमारा है 23, बॉटम हमारा है 10। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से एक स्ट्रेट मार्क करेंगे डेढ़ इंच पर। दोस्तों लेंथ हमारी है 27, लेंथ हमारी 27 27 ये होगा। इसमें हम लोग नीचे मार्जिन देंगे 2.5 इंच का। थर्टी फाइव का 35 इंच का जो है चौथा भाग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों 35 का चौथा भाग करेंगे। दोस्तों 35 का चौथा भाग करेंगे तो 9.25 इंच ही होगा और यहाँ से 1.25 इंच ऊपर हम लोग एक मार्क लगाएंगे। स्टमक का सेंटर लगाएंगे दोस्तों। 27 हमारी लेंथ है, 27 का हाफ होगा 13.5। 13.5 में हम लोग 2 इंच ऐड करके 15.5 पे मार्क लगाएंगे। दोस्तों इस सारे मार्कों को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम दोस्तों पन्नों पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ 15.5 है, 15.5 पे यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। दोस्तों लंबाई यहाँ 27 है, 27 पे हम लोग यहाँ पे भी एक मार्क उठाएंगे और 2.5 इंच मार्जिन वो कर लेंगे। मार्क को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ बैक में हम लोग 1 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे दोस्तों 1.5 इंच का और यहाँ हम लोग 2 इंच, यहाँ पे भी हम लोग 2 इंच का निशान लगाएंगे। इस मार्क को ऐसे यहाँ से मिला लेंगे, इसको ऐसे यहाँ से मिला लेंगे। दोस्तों इसको ऐसे नहीं लगाना है, इसको यहाँ ऐसे बीच में करके ऐसे लगाना है। दोस्तों 35 का 12वां भाग होता है, 12 × 3 = 36 होगा, तो हम लोग यहाँ 2.75 पे लगाएंगे। यहाँ से दोस्तों टिक को हम लोग उठाएंगे 1 इंच पे। यहाँ से हम दोस्तों इसको ऐसे शेप कर लेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे दोस्तों हम लोग 1.25 इंच पे। आप चाहे तो ये मार्क लगा सकते हैं या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं। शोल्डर हमारी 18, शोल्डर हमारी 18, तो 18 का आधा होगा 9 इंच। तो 18 में 1 इंच ऐड करके हम लोग 9.5 पे यहाँ मार्क करेंगे। दोस्तों इसकी शोल्डर ज़्यादा है और चेस्ट कम है, तो हिसाब ऐसे होगा।
इस निशान को यहाँ मारेंगे। बैक हमारी है 14, 14 का आधा होगा 7 इंच। बैक मैंने मेजरमेंट किया हुआ है, अगर आप बैक मेजरमेंट नहीं किए हैं तो सीने से 1.5 इंच कम करके लगा सकते हैं क्रॉस बैक, और आधा इंच यहाँ पे मार्जिंग। फिर इस मार्क को यहाँ ऐसे निशान लगा लेंगे। स्टमक हमारा, कमर हमारा है 31 है, 5 6 31 और आधा इंच, और एक दब मार्जिन लेंगे। हिप हमारी है 35, तो 35 में हम लोग 6 इंच हुआ, बट उसमें हम लोग आधा इंच ऐड करके 6.25 पे निशान लगाएंगे। इस निशान को ऐसे मिला लेंगे, इसको हम ऐसे मिला लेंगे। साइड चाक है तो यहाँ 7 पे निशान लगाएंगे, और ये 8.5 पे, यहाँ से 2 इंच पे इस पर को ऐसे खींच लेंगे। दोस्तों बैक का निशान हम लगा दिया है, अब बैक की कटिंग करेंगे। तो आइए बैक को कटिंग करते हैं। दोस्तों बैक की कटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बैक हमारा कट चुका है, दोस्तों हमने बैक की कटिंग कर दी है, हम लोग फ्रंट की कटिंग करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आधा इंच का एक मार्क लगाएंगे। मार्क को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे, मार्क को स्ट्रेट करने के बाद हम लोग बैक को रखेंगे। सारे मार्क को ऐसे उठा लेंगे। इस मार्क को नहीं उठाएंगे दोस्तों, सारे मार्क को हम लोग ऐसे मिला लेंगे। यहाँ दोस्तों हम लोग 1.25 इंच आगे उठाएंगे, और इस निशान से इस निशान को हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे।
दोस्तों चेस्ट हमारी है 35, तो हमारा होगा चौथा भाग 9.25। इसमें हम लोग तख्ती माइनस करेंगे आधा इंच, तो आएगा 8.25। 8.25 पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। दोस्तों अब यहाँ से हम लोग 8.25 का बीच सेंटर कर लेंगे, 8.25 का बीच सेंटर ऐसे करेंगे तो आपका 4 इंच एक सूत होगा। अब इस मार्क को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे, स्ट्रेट थोड़ी दूर करेंगे दोस्तों। यहाँ से हम लोग 2.25 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 3.25 पे। यहाँ से दोस्तों यहाँ से हम लोग राउंडिंग कर देंगे। 9.25 पे हमने निशान लगाया था, तो 9.25 पे हम लोग यहाँ पे भी एक निशान लगाएंगे और 9.25 पे हम लोग यहाँ पे भी एक निशान लगाएंगे। निशान को लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसे स्ट्रेट कर देंगे। दोस्तों यहाँ से हम लोग 1.25 का एक मार्क लगाएंगे। दोस्तों राउंड शेप है हमारा, यहाँ नीचे दामन गोल है, तो हम लोग 2.25 पे एक निशान लगाएंगे और जितनी हमारी लेंथ है उसका तीसरा हिस्सा यहाँ लगाएंगे, तो 9 * 3 = 27, तो हम लोग यहाँ 9 पे एक मार्क लगाएंगे। 9 पे मार्क लगाने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से ऐसे शेप, छोटे से शेप लेंगे और यहाँ से ऐसे हम लोग शेप दे देंगे, यहाँ हम लोग राउंड कर देंगे। पहला जो काज हम लोग का बनेगा वो हम लोग का यहाँ बनेगा दोस्तों, दूसरा काज हम लोग का दोस्तों यहाँ बनेगा 4.25 इंच पे, और यहाँ से हम लोग इस निशान से 1.25 इंच एक अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से 0.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। ब्रश हमारी जो टूटेगी वहाँ यहाँ से टूटेगी, इस निशान से इस निशान को ऐसे हम लोग मिला लेंगे। ब्रश हमारी जो है दोस्तों 2.25 इंच चौड़ी रहेगी, 2.25 इंच पे ये निशान आएगा। शेप पट्टी से हम लोग ऐसे शेप दे देंगे। यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे हम लोग 2.25 इंच पे, मार्क को ऐसे हम लोग स्ट्रेट कर लेंगे और ऐसे बैक वाले पल्ले को ऐसे रख के हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे और थोड़ा सा हम लोग इसको कम लगाएंगे ताकि यहाँ पे नम आ सके। यहाँ से हम लोग 2.25 पे उठाएंगे ऊपर, शेप देंगे यहाँ से हम दोस्तों। और हम लोग यहाँ से वॉलेट पॉकेट का निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे, वॉलेट पॉकेट हमारा 4.25 इंच का लगेगा। यहाँ से थोड़े से ऐसे 0.5 इंच ऊपर तरफ निशान लगा के ऐसे निशान लगा लेंगे। दोस्तों वॉलेट पॉकेट का एक सेंटर कर लेंगे ऐसे करके, और इसी सेंटर के हिसाब से यहाँ पे हमारा आ रहा है 4.5, तो 4.5 पे हम लोग यहाँ ऐसे निशान लगाएंगे और 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ये निशान जो है डार्ट के लिए, डार्ट इसकी सीधाई में आना चाहिए। पॉकेट हम लोग बनाएंगे 6 इंच की, फ्लैप हम लोग लगाएंगे 2.25 इंच। यहाँ से हम लोग इसको शेप दे देंगे, इससे और इससे यहाँ तक हम लोग
यहाँ से और यहाँ से जो गैप होना चाहिए कम से कम 2 से 2.5 इंच होना चाहिए। ये डॉट, पेट डॉट हम लोग निकालेंगे 1/2 इंच। इसको और इसको यहां से हम लोग मिला लेंगे। पेट डॉट वाले निशान से हम लोग यहाँ 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ इसको हम लोग ऐसे मिला लेंगे। दोस्तों दोस्तों अगर आप लोग को कहीं भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ हम लोग 1 इंच का डॉट निकालेंगे, ये हम लोग ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे। दोस्तों लूजिंग, दोस्तों हम लोग की स्लिम फिट की कोट है तो यहाँ हम लोग 4 इंच लूजिंग देंगे, यहाँ हम लोग 3.5 इंच देंगे और यहाँ पे हम लोग 3.5 इंच देंगे। अब इस निशान से हम लोग मेजरमेंट करेंगे। हमारा जो है चेस्ट है 35 है तो यहाँ से हम लोग नापेंगे 35 और बैक हमारी है 14 तो हम लोग 14 पे निशान लगाएंगे और 2 इंच लूजिंग का मार्जिन रखेंगे। इसी हिसाब से दोस्तों हम लोग ये निशान लगाए हैं 3.5 इंच का। इस 3.5 इंच वाले निशान से हम लोग पेट का मार्क लगाएंगे। पेट हमारी है 31, 31 का आधा होगा 15.5 तो हमने 5.5 इंच दिया हुआ है बैक में, 5.5 इंच बैक को माइनस कर देंगे और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए। हिप हमारी है 36 तो यहाँ पे 18, हिप में हम लोग ने 6×36 पे हम लोग निशान लगाए हैं तो हम लोग यहाँ पे 6 इंच माइनस कर देंगे बैक और 2 इंच ये कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों ये शेप पट्टी से हम लोग ऐसे शेप लेंगे। दोस्तों इसकी हिप ज़्यादा है, सॉरी दोस्तों ये 3.5 3.5 दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ही निशान आएगा। हाँ ये ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग 1/2 इंच डाउन कर देंगे और यहाँ से हम लोग ये गोलाई ले लेंगे बाजू के। दोस्तों फ्रंट का निशान हमारा लग चुका है, अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे तो आइए कटिंग करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आप सभी तक पहुंच सकें। यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे दोस्तों।